ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस ने मौन धरना दिया है। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ काली पट्टी लगाकर यह विरोध जताया गया, तो कांग्रेस ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, खासकर पंचायत चुनाव के मद्देनजर। शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। शबीर, कांग्रेस बेहद यहां पर मुखर है इस पूरे मसले को लेकर, क्या जानकारी? बिल्कुल अभी तो हमने देखा था कि सदन में भी विपक्ष सरकार को घेरते नजर आया था ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को, पंचायत में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को, चाहे ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चुनाव में हो या 27% का आरक्षण का मुद्दा हो, दोनों मुद्दों पर हमने देखा है कि कांग्रेस से मुखर रहा है, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ता हुआ नजर आया है। और बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आई है तो कांग्रेस की सरकार ने ही दिया है। इससे पहले दिग्विजय सिंह सरकार ने दिया, 15 महीने की सरकार जब कमलनाथ की आई, बहुत छोटा सा टर्म था, उसमें भी हमने आरक्षण दिया, उस पर भी पेच राज्य सरकार ने फंसाया। और पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शिवराज सरकार के चुनाव की लेट लतीफी और ढुलमुल रवैये के कारण ही आज स्थिति यह पहुंच गई कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में पहुंच गए। अगर हो भी रहे हैं तो उसमें ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव से बाहर कर दिया गया, समान सीटों को तौर पर मान लिया गया। और इसी को मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया था कल, और अब महिला मोर्चा ने मोर्चा संभाला है। और यह कह सकते हैं कि आज बड़ा प्रदर्शन भोपाल में किया गया, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर के बाहर, और सीधे तौर पर आरोप लगाया गया, मौन प्रदर्शन था, और सीधे तौर पर इस प्रदर्शन के जरिए आरोप लगाए गए कि जो राज्य सरकार है, बीजेपी है, वो आरक्षण विरोधी है, और इसी के कारण वो आज मौन धरना दे रही हैं और काली पट्टी बांध कर ये विरोध जताया गया है। अभितोष, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए।